व्यूअर्स, मैंने आपको बताया था अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और उसके बाद वो तो हटा दी इन्होंने गाड़ी। सारे टाइगर्स यहाँ पे वापस आ चुके हैं और सबकी एक ही डिमांड, सबका एक ही मुतालबा कि इमरान खान को रिहा करो, और वही डिमांड यहाँ पे सारे टाइगर्स कर रहे हैं। और इन्होंने जो है पुलिस वालों पर पथराव करके पुलिस वालों को भगा दिया है, पुलिस वाले यहाँ से भाग चुके हैं, फिर पुलिस कहीं नहीं है और रोड को जो है दोबारा से ब्लॉक करेंगे। और ये कोशिश है कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो थे उनको रिहा किया जाए। तो तमाम टाइगर्स यहाँ पे वापस आ चुके हैं और फिर से मैं यही कहूँगा कि ये जंग जो है शुरू हो चुकी है। आप सब लोग जो कि शारे फैसल से रिलेटेड हैं अपना बहुत ख्याल रखें और जितना हो सके अपने आप को महफूज करें। ये एक जंग का समय स्टार्ट हो चुका है, बाकी हमारे मुल्क का अल्लाह मालिक है। बाकी बस देखें आगे जो होता है, हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे अगर ऐसा रहा तो। फिलहाल चलिए आगे मैं आपको दिखा दूँ क्या चीज़ मुमकिन इस वक्त हो रही है। एक जो बस खड़ी हुई है वो आपको नज़र आ रही है, बस सिर्फ रोड को जो है वो ब्लॉक किया जा रहा है यहाँ पे अभी, और रोड को वापस ब्लॉक किया जा रहा है। इन लोगों पे बड़ी शदीद शैलिंग की है, शदीद शैलिंग हुई है इन लोगों पे, और बहुत शैलिंग हुई है, ठीक है। इन लोगों पे शैलिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त की गई है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं और वापस आ गए। तो शैलिंग होने के बावजूद ये लोग यहाँ पे आए हैं, इनकी हिम्मत है कि इतनी गर्मी में इतनी शदीद शैलिंग के बाद ये सारे के सारे यहाँ पे जवान वापस आए हुए हैं और किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। बाकी अब देखें इस मुल्क में क्या हो सकता है, किसी को परेशान नहीं करे, लोग जा रहे हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई परेशानी हो रही है, लोग जा भी रहे हैं, बाइकों पे जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो वो चीज़ें चल रही हैं। बाकी अभी देखें यहाँ पे क्या होने वाला है वो तो अल्लाह मालिक है। ये एक लेटेस्ट अपडेट चली है जो कि इस वक्त टाइम हो रहा है 5:45 का, और जो भी लोग हैं बस महफूज रहें, बाकी आगे देखें क्या होता है, आइए आपको दिखाऊँगा। अच्छा देखें, मैं आपको बता रहा था कि ये जो ट्रैफिक है इस वक्त, क्योंकि वो सर्विस रोड से जा रहा है, मेन शहर है तो इस वक्त ब्लॉक है, और सर्विस रोड से जो है वो ट्रैफिक चल रहा है यहाँ पे से जा रहा है, और जितने भी लोग हैं वो निकलने की कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि शहर फैसल तो समझ लें कि अब मैदान जंग है, यहाँ पे अब कुछ भी हो सकता है कभी भी। सिंध पुलिस भाग चुकी है, सिंध पुलिस को भगा दिया गया है, और टाइगर जिंदाबाद हो चुके हैं, वापस टाइगर्स आ चुके हैं रोड पर, और सिंध पुलिस जो है वो अब कहीं नज़र नहीं आ रही आपको। अच्छा यहाँ पर खवातीन भी हैं, आप देखें खवातीन वर्कर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, और मैं चाहता हूँ कि दिखा दूँ आपको खवातीन वर्कर्स से अभी। आइए मैं आपको करीब से क्लोजअप दिखा देता हूँ, खवातीन वर्कर्स यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं और इनका भी एहतजाज चल रहा है, और ये एहतजाज देखें कब तक चलेगा। उन्होंने सच पे खड़े हुए हैं और उन पे झूठे मुकदमात कायम किए गए, और उन झूठे मुकदमात पे रोजाना दिन में 4-4 दफ़ा जो है पेशियाँ करवाई गई, जब जमानत भी होगी तब गिरफ्तार कर लिया गया, और किस तरीके से गिरफ्तार किया गया। इंसानी हुकूक की तंजीमें जो है वो सब इसी जो उसूल है इसके खिलाफ जा रहे हैं, दुनिया का कोई कानून जो है वो इस चीज़ की। अच्छा ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पे जो है तमाम लेडीज़ जो है वर्कर, पीटीआई वर्कर्स लेडीज़ भी मौजूद हैं, ऐसे नहीं कि सारे सिर्फ जो है वो है, खवातीन यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम खवातीन आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद हैं, और ये भरपूर एहतजाज हो रहा है यहाँ पे कि भाई रिहाई जो है मुतालबा है और कोई डिमांड नहीं है। आप लोग इस मुश्किल में यहाँ पे खड़े हुए, शैलिंग हो रही है तो परेशानी तो हो रही होगी, कैसे फिर उसको होगा। शर्म नहीं आती है कि ये निहत्थी खवातीन के ऊपर शैलिंग, इन्होंने तीसरी दफ़ा हमारे ऊपर शैलिंग्स की, और उसके बाद हम उसमें साबित कदम रह के, क्योंकि हम एक नज़रिए के तौर पर खड़े हैं, हम अपने लीडर के साथ खड़े हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं आती है, इनको नहीं पता कि गैर आइनी तौर पर अगर इतना बड़े लीडर को गिरफ्तार किया जाए तो उनका क्या ख्याल है, आवाम का रिएक्शन नहीं आएगा। यहाँ पे घरों से औरतें निकल के आ रही हैं, हम तो वर्कर्स के अलावा जो आम घरेलू खवातीन है वो भी आ रही हैं, तो ये जुल्म का निज़ाम है, अभी एंड होने वाला है इंशाल्लाह, मैं पूरा यकीन है, ये उसकी एक सीढ़ी है, ये उसकी आखिरी सीढ़ी है और वो खत्म होने वाली है इंशाल्लाह। तो कभी नहीं, अभी नहीं निकले, अभी नहीं जागे तो हमारी नस्लें भी गुलाम हो जाएंगी इन करप्ट लोगों के, जिन्होंने जब से पाकिस्तान बनाई है, पाकिस्तान की तारीख है ये करप्शन, ये करप्ट लोग, ये करप्ट जो है लीडर जो इस पर काबिज है, इसे नोच नोच कर खा रहे, तो क्या हमारी आने वाली जो नस्लें वो भी इसी तरह जिंदगी गुजारेंगी? अगर आज हम नहीं निकले ना तो ये कभी नहीं होगा। ये एक्सपायर्ड शेर जो है ये औरतों पर फेंके गए हैं इस वक्त, इस मजमे में औरतें भी शामिल है, यंग भी शामिल है, हम पर केमिकल चेहरा जल रहा है हमारा, ये देखें ये सब हमारे मुंह पे गिर रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम आवाम हैं, इतने इनके पास शेल ही नहीं है, हमारे पैसे से इन्होंने शेल खरीदे थे हम पे चलाने के लिए, हम दहशतगर्द हैं कोई, हम कानून की पासदारी और आईन के अलम्बरदार हैं। किधर है आईन, किधर है कानून के ये जो अलम्बरदार बनते हैं, यही कानून तोड़ है। देखिए ये फलस्तीन नहीं है,
ये कश्मीर नहीं है, ये कराची पाकिस्तान का शहर और ये कराची का दिल है शाहराह फैसल जिस पे हम खड़े हुए हैं। और इन्होंने जिस तरह भाईमाना शेलिंग की है, ये जुल्म के इंतहा है। 25 मई को भी इन्होंने यही किया था, आज फिर इन्होंने किया, ये हमारे हौसलों को पस्त नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है सब आपने सुना कि बिल्कुल सारे इमरान खान के साथ हैं और जो है शदीद एहतजाज जो है शुरू हो चुका है। खवातीन भी आपको दिखा दी यहाँ पे मौजूद हैं वर्कर्स। अब मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि सबको जो है वो मूव कर जाएं और टाइगर्स आप देख लें, सारे टाइगर्स जो है पीटीआई टाइगर्स आ चुके हैं। शाहराह फैसल मैदान जंग स्टार्ट वो तो चल ही रहा है, मैं आपको बता चुका हूँ बार बार, कई बार बताया आपको। और ये कराची फूड्स वगैरह के सामने का इस वक्त सूरत हाल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, शाहराह फैसल कराची फूड्स और नर्सरी की तरफ की सूरत हाल मैंने आपको दिखाई है। आगे क्या होगा ये तो अल्लाह मालिक है। होटल फरहान की तरफ ये सारी सूरत हाल है जो आपको दिखाई है, बाकी देखें क्या होता है, क्या क्या फैसला लेती है हुकूमत, क्या लेती है हुकूमत और किस तरीके से जो है ये जो टाइगर्स हैं उनको ये शैलिंग करके भगाना चाह रहे हैं, लेकिन उनके हौसले पस्त नहीं हो रहे, वो हिम्मत ख़त्म नहीं हो रही है जो ये चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए, वो हिम्मत ख़त्म नहीं हो रही है। अभी अभी ये एक आप देखें ये भाई खड़े हैं, इनके पास भी ये शदीद शैलिंग इन पर भी हुई है और इस वक्त भी यहाँ पर धुआं धुआं सा हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है। सर ये मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 2018 के शेल ये सिंध हुकूमत हम पर फेंक रही है, जो एक्सपायर्ड जो शेल है वो चला रहे ना, एक्सपायर्ड शेल चलने मतलब ये होता है कि एक शैलिंग होती है अक़्वामे मुत्तहिदा के कानून के ख़िलाफ़ है शेल, ये जो एक्सपायर्ड शेल है ये अक़्वामे मुत्तहिदा के यूनियन के कानून के ख़िलाफ़ ये चला रही है सिंध हुकूमत। मैं मुज़माना रिक्वेस्ट करता हूँ आला हुकाम से इस रियासत से जो कि अब क्या मैं अल्फाज कहूँ, फिर हम गद्दार हो जाएंगे, बस हमारे हौसले का हमारे जो हौसले हैं ना इनका ख्याल करो, फौज भी हमारी है, आप भी हमारे हो, हम भी आपके हैं, लेकिन बीच में जो दरार पैदा हो रही है इसका ख्याल करो, उसको पकड़ो। सिर्फ एक बंदे की वजह से दुख होता है, मैं खुद फौजी अफसर का बेटा हूँ, दुख होता है एक बंदे की वजह से ये पूरी तकसीम हो रहे हैं। तो फौज ने एक कोर्ट मार्शल का जो रूल रखा हुआ वो हम आवाम के लिए, प्लीज़ सियासत को सोचना चाहिए।